नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। ये वह प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यह आपकी हो जाएगी 35 वर्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। वर्ष बताना है आपको, अगर आप लोगों को पता हुआ करें आप लोग तुरंत कमेंट कर दिया कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। बहुत से लोगों को पता होगा इसका आंसर, जिसको भी पता हो वो कमेंट करके बताए। बहुत ही चर्चित नाम है जेवी मावलंकर जी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। देखिए, पहले अपनाया गया था उसके बाद लागू हुआ था, तो इसकी भी तिथि बहुत आती है परीक्षाओं में। तो यह तिथि आपकी हो जाएगी 26 नवंबर 1949। देखिए, इस तिथि को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था संविधान सभा द्वारा और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। और इसका उत्तर हो जाएगा संवर्ती सूची। देखते हैं अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए कौन सक्षम होता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद। देखते हैं अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारियों के कार्यान्वयन का संरक्षक कौन होता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संसद के सदस्य उनकी सदस्यता खो सकते हैं यदि वह संसद से लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहें। देखिए, कोई संसद है और उसका कोई सांसद जो है वह कितने दिन में अपनी सदस्यता खो देगा अगर वह लगातार संसद में नहीं जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन तक। लगातार 60 दिन तक ना जाने पर उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोग ना शेयर कर रहे हैं और ना ही वीडियो पे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को। बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इन्हीं में से पेपर में बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, और आप अगर दरोगा या पुलिस और टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके एक या दो प्रश्न आने ही आने हैं। एक दो नंबर का आपका फंसेगा ही फंसेगा। बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ अपने व्यापार को किस पद के साथ शुरू किया था। कौन सा पद उन्हें दिया था जिससे कि उनका व्यापार शुरू हुआ था। तो इन्हें दिया गया था अध्यक्ष का पद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपका जो गोपनीयता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ लिख लीजिए और साथ ही साथ याद भी कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह आपका हो जाएगा 42वां संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 14। देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनकी संख्या अगर पूछता है तो वो 12 हो जाएगी, लोकसभा में पूछता है तो वो 2 हो जाएगी, इसी प्रकार से कुल संख्या 14 हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुके हैं, तो आप में से जिसे पता हो वो बता दें, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और अभी कंफर्म कर लेना, याद कर लेना, लिख लेना, एक बार खुद से सुन भी लेना, उसके बाद ही रखना। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस भाग में दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा 17वां भाग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो यह आपका हो जाएगा 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तो हो गई शिक्षा मंत्री की बात। अगर आपसे पूछता है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री जो आपके थे स्वतंत्र भारत के पहले, वह थे आर शनमुखम चेट्टी के। तो ये तो हो गई वित्त मंत्री की बात। अब अगर पूछ लेता है कि रक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे बलदेव सिंह। इन तीनों में से आपको एक ना एक प्रश्न तो परीक्षा में अवश्य मिल ही जाएगा। तो ये थी पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण क्लास, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, और आपको लगे कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ क्वालिटी थी क्वेश्चंस में, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ लिखते रहा करिए जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए इसका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।